मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। दरअसल सरकारी योजनाएं अलग अलग लेकिन दवा खरीद प्रक्रिया हो एक। एसएमएस से अटैच अस्पतालों में योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर कवायद की जा रही है। प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालविया ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए हैं। चिरंजीवी योजना, निःशुल्क ओपीडी, आईपीडी, निरोगी राजस्थान योजना और आरजीएसएचएस योजना के लिए अलग अलग प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया बंद हो, यानी आरजीएचएस योजना के लिए जो अलग अलग प्रोक्योरमेंट है उसका प्रोसेस बंद होना चाहिए। अस्पताल प्रशासन एक ही प्रोक्योरमेंट के जरिए सभी दवाओं को खरीदे, सिर्फ मरीजों को उपलब्ध दवाओं का लाभान्वित योजनावार रखा जाए रिकॉर्ड, ताकि उसी हिसाब से अलग अलग एजेंसियों से भुगतान लिया जा सके। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी विकास शर्मा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, ज्यादा जानकारी दीजिए क्योंकि सीधा असर इसका आम लोगों से है, मरीजों से है, किस तरीके से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए पूनम, राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी कि अस्पतालों में किसी भी मरीज को पैसा नहीं लगे, निःशुल्क ओपीडी आईपीडी, न सिर्फ आईपीडी बल्कि ओपीडी के अंदर भी मरीज पहुंचता है तो उसको हर जांच हर दवा जो है निःशुल्क मिलनी चाहिए, उसका पैसा नहीं लगना चाहिए। और इसी योजना को धरातल को उतारने के लिए जो कवायद की जा रही है उन कवायदों में कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही है और उसमें से एक बड़ी दिक्कत यही है कि अस्पतालों में जो रिकॉर्ड कीपिंग और रिकॉर्ड को देखते हुए अलग अलग योजना है, तीन चार योजनाएं जो है वो अलग अलग योजना है लेकिन उनका बेनिफिशरी जो है वो मरीज है। तो ऐसे में अब इन अलग अलग योजनाओं पर प्रोक्योरमेंट करने का ही जो साइड इफेक्ट है वो नजर आ रहा था कि मरीज को तत्काल दबाव से दवाएं जो है उपलब्ध नहीं हो पाई। तो ऐसे में आज बैठक जो थी उसमें ये प्रिंसिपल डिसीजन दिया गया, आदेश दिए गए इस बारे में कि जो तीन योजनाएं हैं, आरजीएसएस योजना, निःशुल्क ओपीडी आईपीडी योजना और साथ में जो चिरंजीवी योजना, इन तीन योजनाओं को भले लाभार्थ गवर्नमेंट है वो पर्टिकुलर एक एजेंसी के द्वारा एक जगह से किया जाए ताकि जो मैन पावर है और जो अलग अलग कवायदे हैं उन पे इनका सिर्फ दवाओं का प्रोक्योरमेंट एक जगह से हो और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी एक जो मरीज है उनकी योजनावार उनका रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो किया जाए ताकि जब उनका एजेंसी क्योंकि आरजीएस का जो भुगतान है वो फाइनेंस से किया जाता है, जो चिरंजीवी योजना का भुगतान है वो बीमित एजेंसी बीमा कंपनी जो है उससे लिया जाता है और निःशुल्क ओपीडी आईपीडी योजना का जो भुगतान है वो सरकार की जो अलग अलग मद है उससे लिया जाता है। तो अलग अलग मदों के अंदर भुगतान जो है अस्पताल प्रशासन कैसे लेगा इसके लिए रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो अलग अलग योजनावार जो है वो रखी जाए लेकिन उसके प्रोक्योरमेंट है जो वो एक एजेंसी द्वारा एक जगह से हो ताकि जो ये गफलत बनी हुई है, अनुपलब्ध दवाओं की दिक्कतें बनी हुई है इसको लेकर के इनका सोल्यूशन किया जा सके। इसके अलावा और भी कई डिसीजन जो है मीटिंग में लिए गए हैं जिसके तहत ये कहा गया है कि जो कॉपरेटिव एजेंसी की दवा की दुकानें हैं वहां से भी एनएचए के जरिए दवा उपलब्ध मरीजों को हो ताकि मरीजों को निःशुल्क दवा योजना का पूरा फायदा मिल सके। जी चलिए, शुक्रिया विकास तमाम जानकारी देने के लिए।